श्री गौरी शंकर बिसेन, किसान कल्याण कृषि मंत्री। श्री गौरी शंकर बिसेन का जन्म 1 जनवरी 1952 को बालाघाट में हुआ। श्री चतुर्भुज के पुत्र गौरी शंकर बिसेन का व्यवसाय कृषि है। इसके साथ गौरी शंकर खेलकूद और पर्यटन में भी रुचि रखते हैं। वनस्पति शास्त्र में MSc की डिग्री हासिल की। गौरी शंकर 1977 में जनता पार्टी की ओर से और 1980 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक निर्वाचित हुए। गौरी शंकर ने कृषकों के खेतों को पानी दिलाने को लेकर सिंचाई संसाधनों के विकास में समर्पित भाव से सहयोग दिया। गौरी शंकर बिसेन वर्ष 1978 में केंद्रीय सहकारी और भूमि विकास बैंक बालाघाट के संचालक रहे। 1978 में जिला जनता पार्टी बालाघाट के उपाध्यक्ष रहे। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में गौरी शंकर वर्ष 1985 और 1990 में विधानसभा सदस्य चुने गए। 1986 में विधानसभा की लोकलेखा समिति और आश्वासन समिति के सदस्य के तौर पर काम किया। 9वीं विधानसभा में पटल समिति के अध्यक्ष और प्राकलन समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव में गौरी शंकर बीजेपी की ओर से बालाघाट से प्रत्याशी भी रहे। वर्ष 1993 में तीसरी बार गौरी शंकर विधायक बने। इस दौरान विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति के सदस्य भी बने। बाद में वर्ष 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। इस दौरान गौरी शंकर ने संसद की रक्षा समिति और रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2001 से 2004 तक प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। गौरी शंकर बिसेन वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए बालाघाट से दोबारा सांसद निर्वाचित हुए। इस दौरान ऊर्जा समिति के सदस्य, 2005 में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। गौरी शंकर बिसेन 2008 में विधानसभा के निर्वाचन में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। 20 दिसंबर 2008 को CM शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। गौरी शंकर बिसेन 14वीं विधानसभा के लिए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 21 दिसंबर 2013 को कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। और मंत्रियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।